मैं इस वक्त मौजूद हूँ क्षेत्रीय कार्यालय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दरभंगा में। आप देख सकते हैं कि पिछले 10 दिनों से लोग परेशान हैं, यहाँ पे आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। ये नया सूचना आज दिख रहा है, 6 दिन से बंद है, दिनांक 7 एवं 8 मार्च 2019 को कार्यालय बंद रहेगा। किस वजह से बंद रहेगा यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर जो लोग हैं उनसे पूछ लेता हूँ कि आखिर आप लोग कितने दिनों से आ रहे हैं और आपका काम कितने दिनों से नहीं हो पा रहा है। आप आए हैं यहाँ पे? जी सर। किस काम से आए हैं? सर वो जो है ना हमारा नाम गलती था, सुधार करवाने आए थे तो हो गए। इससे पहले भी आप आए थे? जी। कितने दिन से आ रहे हैं? सर 2-4 दिन से आ रहे हैं। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? बंद है सोम दिन आओ। अच्छा ठीक है, तो आपको परेशानी, आपको कहीं देना है क्या सर्टिफिकेट? हाँ सर वो रजिस्ट्रेशन जो पार्ट 1 में करवाए उसमें फिर अतिरिक्त हो गया। तो आपको लेट हो रहा होगा? जी। चलिए ठीक है, आप किस काम से आए हैं? आए सर जो है नाम गलत है, सुधार करवाने हैं। कितने दिन से आप परेशान? 4 दिन से आ रहे हैं सर, वापस जा रहे हैं। 4 दिन से आ रहे हैं वापस जा रहे हैं? जी सर। क्या क्या वजह क्या बताया जा रहा है? ये 1 हफ्ते के बाद ये बंद है। बंदी का कोई कारण नहीं बताया गया? जी नहीं बताया जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का 6ठे कार्यालय दरभंगा में छात्र परेशान है, गार्जियन परेशान है अपने बच्चों के सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ भी बताने वाला नहीं है। और आज बहुत झगड़े के बाद इन लोगों ने आज एक ये लगाया है नोटिफिकेशन कि 7 और 8 मार्च को बंद रहेगा। नहीं है बाबू बन गया तब तो ऐसे हम लोग एक हफ्ता कर रहे हैं और जो कोई रिपोर्ट लेने वाला नहीं है। आज तो खुलने वाला था टूट गया, टूट फूट का बोर्ड लगा दिया कि बंद है, 10 दिन से बंद है रखे हुआ। अंदर में छात्रों को बताया गया था कि 7 तारीख से खुल जाएगा। आप लोग कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ पर? कितने दिनों से आ रहे हैं? हम 3 दिन। 3 दिन से आ रहे हैं। किस कौन से काम के लिए? मार्कशीट के लिए। क्या बताया गया यहाँ पे इतने दिनों में? इतना दिन गेट बंद था, सब सूचना पत्र छपा हुआ था, इतना तारीख का बंद है, फिर भी यहाँ तो कोई रिस्पॉन्स नहीं। लगातार सूचना ही दिया जा रहा है कि बंद ही रहेगा? नहीं, छात्र परेशान है, क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई फायदा आपको नजर नहीं आ रहा है? नहीं कोई नहीं। आप भी इसी काम से आए हैं? हमको भी मार्कशीट तो लेना है, नाम करेक्शन करवाना है, करने के लिए दिए थे 6 महीना पहले, अभी दौड़ रहे हैं। 6 महीने से आप दौड़ रहे हैं? तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में, क्षेत्रीय कार्यालय के, बिहार बोर्ड के बारे में? बिहार बोर्ड तो लोगों को देखो बनाया हुआ है, विद्यार्थी को समझता है क्या है, कुत्ता है, दौड़ के आ रहा है जा रहा है। अब अपने कर्मचारी लोगों को ठीक से टाइम पे सारी बातें नहीं समझाते हैं कि कैसे विद्यार्थी को क्या सहूलियत करना है, और तो ये क्या कहें। तो ये थे हमारे छात्र जो परेशान हैं और एक गार्जियन भी यहाँ पे परेशान है। आप बताइए भाई, हमको बच्चे को कल डॉक्यूमेंट जमा करना है, उसका अपॉइंटमेंट नहीं होगा तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा। उसकी जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगा क्या? इससे बेहतर है कि इसको बंद कर दे वो इस कार्यालय को। आप कह रहे हैं कि पटना में ही कार्यालय रहे, वही बेहतर है। पटना में रहेगा तो वो अच्छा ना, कि लोग जाएगा एक दो दिन में काम करवा लेगा। यहाँ डेली रोज आता है यहाँ पर, आने जाने की भी सहूलत नहीं है, यहाँ पर पूरा किचन लगा हुआ है, बस स्टैंड बना हुआ है, जाम फंसा रहता है, लोग जो आकर के परेशान होता है। चलिए ठीक है, तो ये बात आपकी पहुँचाई जाएगी, हर जगह भेजा जाएगा। चलिए थैंक यू।